हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एंटी स्पोर्ट IC130AG का अनबॉक्सिंग और रिव्यू, तो बने रहिए इस वीडियो में सारे डिटेल्स को जानने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस बॉक्स को लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बॉक्स मेरे को मिला है, इस तरह से पैकेजिंग के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है एंटी स्पोर्ट और उस बॉक्स के अंदर में जो कैबिनेट है उसका पिक्चर भी दिया गया है। और इस तरफ में आप देखेंगे तो इस तरफ में आपको जो है इसके बारे में पूरा फीचर्स दिया गया है कि इसमें क्या आप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे अनबॉक्स। सबसे पहले हम यहाँ जो पैकेजिंग आया है इसको इस तरह से काट ले। गेमिंग कैबिनेट है दोस्तों, और अगर आपके बजट 3000 से नीचे है तो ये कैबिनेट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले हमें मिलता है एक बिल जो अमेज़ॉन की तरफ से दिया गया है हमें इस, और आगे हम लोग देखते हैं। इस तरह से पैकेजिंग अंदर में आप देख सकते हैं मिला है दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से पैक किया गया है कि इस पर कोई भी आपको डैमेज नहीं होने का चांसेस है। तो हम इसको बाहर निकालते हैं सर। देख सकते हैं इसके अंदर पैक था और ये इस बॉक्स को हम लोग रख देते हैं साइड से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी हम लोग को। ये कुछ इसके सेफ्टी के लिए दिया गया है और ये अच्छा पैकेजिंग के साथ में है, इसको भी बताते हैं। इस तरह से पैकेजिंग हम लोग को इसके अंदर में मिल जाता है देखने के लिए। देख सकते हैं इस तरह का कैबिनेट हम लोग को देखने के लिए मिलता है दोस्तों। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट पैनल है और ये ट्रांसपेरेंट पैनल प्लास्टिक का है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक RGB पैनल यहाँ पे दिया गया है एंटी स्पोर्ट की तरफ से। यहाँ एक RGB पैनल लगाया गया है जो कि आप जब इस पर कनेक्ट करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे तब यहाँ पर ये पावर ऑन हो जाएगा। और इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, देखने में लुक बहुत ही अच्छा है और प्रीमियम ही दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई घटिया सा प्रोडक्ट है, लेकिन अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है ये दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका ये बैक पैनल है और हम लोग अपने इस ट्रांसपेरेंट पैनल को पहले खोल के देख लेते हैं। इस तरह का दो स्क्रू आपको दोस्तों मिलेगा, बस इसे आराम से खोलना है और इसको बस ऐसे हल्का सा स्लाइड करना है आपको और ये है इस तरह से खुल जाएगा। देख सकते हैं ये इस तरह से खुल गया है हमारा पैनल। इसको हम लोग साइड रखेंगे और ये हमारा कैबिनेट रहा। इस तरफ का भी जो हमारा पैनल है इसको खोल लेते हैं क्योंकि हमारा जो भी वायरिंग हुआ इसी तरफ से होगा दोस्तों। इसको भी हम लोग आराम से धीरे धीरे करके खोल लेंगे। इसका बात करें दोस्तों तो इस तरह से आपको कुछ वायर्स दिए गए हैं, आपको ये वायर्स लगा के आप अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। और सिस्टम के अंदर में आप देखेंगे तो एक फैन हमें एंटी स्पोर्ट की तरफ से दिया गया है जो कूलिंग फैन है। और इसमें बात करें तो दोस्तों हम इसके अंदर में दो हार्ड डिस्क और दो SSD लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ वायर्स है इसके अंदर में और एक फैन भी दिया गया है सिस्टम के अंदर में। आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर में कैबिनेट है और इस पे मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिला है और पावर स्टार्ट के लिए बटन दिया गया है और रीस्टार्ट का एक बटन है, एक USB है, उसके बाद में आपका एक माइक है और एक हेडफोन है, उसके बाद में फिर एक USB देखने के लिए मिलता है। इसके देख सकते हैं ये हमारा पावर सप्लाई का पैनल दिया गया है दोस्तों। और ये यहाँ पे कुछ है इसके अंदर पे
देखेंगे इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है। अब तो इस पर कुछ स्क्रूज है दोस्तों, जो हम लोग अपने सिस्टम को जब असेंबल करेंगे तो इस पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं इस जगह हम अपने SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव्स को लगा सकते हैं, और ये एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फैंस को लगा सकते हैं, कूलिंग फैंस को इस जगह में आप लगाएंगे। और ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे अपनी मदरबोर्ड को हम लगाएंगे। ये आपको अमेजोन पे अभी जो मुझे जो पड़ा है 2549 रुपये का एक पड़ा है ये कैबिनेट, और सस्ता में बहुत ही अच्छा दोस्तों। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिला है, चलिए इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको ये मिला है जिससे अपने वायर को आप अपना अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, उसके लिए दिया गया है ये। यहाँ पे स्क्रूज दिए गए हैं, तो आपको टेंशन नहीं है कि स्क्रूज कहाँ से लाऊंगा मैं, तो स्क्रू आपको दिया गया है साथ में अपने बोर्ड को फिट करने के लिए, अपने फ़ैन को फिट करने के लिए आप इस स्क्रू का हेल्प ले सकते हैं जब हम अपने सिस्टम को असेंबल करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा कैबिनेट कि किस तरह से ये कैबिनेट है हमारा, और इसके डाउन में भी आप देखेंगे तो हमें एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिलता है दोस्तों। तो यही था हमारा एंटी स्पोर्ट 130 AG का अनबॉक्सिंग दोस्तों, और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्रीमियम है, तो आपको इसका कोई शिकायत नहीं होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी राय में बहुत ही अच्छा है, और ये मुझे अमेजोन पे 2549 रुपये का पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।